सी लैंग्वेज के आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में नेस्टेड इफ, राइट। तो नेस्टेड इफ क्या होगा या इफ एल्स क्या होगा वो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, पर मैं आपको एक बार प्रीवियस क्लास का समराइज करा देता हूं कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में आपको बताया था कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होता क्या है, कितने टाइप का होता है। तो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था। यदि आप ये क्लास फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपसे एक बार कहूंगा कि आप मेरी प्रीवियस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि उस क्लास में मैंने बेसिक भी आपसे डिस्कस किया, साथ ही साथ कुछ प्रोग्राम्स भी डिस्कस किए हैं जिससे कि आपकी इसमें अंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कितने टाइप के होते हैं, सीक्वेंस, डिसीजन, इटरेटिव, स्विच केस और गो टू, इनको ही हम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। और इतने टाइप के कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जिसमें मैं अभी आपसे सबसे फर्स्ट डिस्कस कर रहा था डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, और डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में मैं आपसे इफ स्टेटमेंट को डिस्कस कर रहा था। और इफ स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि इफ स्टेटमेंट क्या होगा। इफ में एक यहां पर एक्सप्रेशन लिखा होगा, देखिए यहां पर ये एक एक्सप्रेशन लिखा होगा, राइट, उसका कुछ कोड होगा और एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर ये डिपेंड होता है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी कि कुछ पार्ट है कोड का जो एक कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है कि भाई ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो ही वो पर्टिकुलर इफ का जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। इसके बाद देखिए मैंने आपके साथ में फ्लो चार्ट भी डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि इफ की अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट करेगा इफ स्टेटमेंट ब्लॉक को, अदरवाइज और अगर फॉल्स है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हमारा कंट्रोल यानी कर्सर चला जाए, राइट। फिर मैंने आपको इसका सिंटेक्स बताया था कि इफ में सम कंडीशंस होंगी, स्टेटमेंट्स होंगे, अब वो स्टेटमेंट एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, ठीक है, चाहे जितने भी हो, राइट, वो एग्जीक्यूट होंगे अगर कंडीशन ट्रू हुई। इसके बाद में मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था, एग्जांपल मैंने आपसे बाकायदा डिस्कस भी किया था विद प्रोग्राम। तो उसमें मैंने बताया था कि ये एंटर मार्क्स वाला एक एग्जांपल लिया था, जिसमें मैंने बताया था कि मार्क्स अगर हमने एंटर किए हैं 33 से ज्यादा हो जाएगा तो यू आर पास, या 33 के बराबर हो जाएगा तो भी पास मैसेज शो होगा, और अगर मार्क्स हमने 33 से कम एंटर किए तो हमको स्क्रीन पर जो मैसेज मिलेगा यू आर फेल। लेकिन यहां पर हम दो इफ के स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, ये तभी एग्जीक्यूट होंगे जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। तो एक समय में कोई भी एक ही स्टेटमेंट यहां पर एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो इस तरीके से हमने आपको इफ स्टेटमेंट बताया था। आज हम आपसे डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में नेस्टेड इफ को डिस्कस करेंगे। तो नेस्टेड इफ क्या है, देखिए इफ ब्लॉक के अंदर ही एक और इफ ब्लॉक यदि हम चाहते हैं तो वो भी हम मेंशन कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बनेगा, सो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। अ नेस्टेड इफ इन सी इज एन इफ स्टेटमेंट, ठीक है, That is the target of another if statement. यानी कि हमारे if statement के अंदर ही एक और if statement हम चाहें तो लिख सकते हैं, right? So nested if statements means an if statement inside another if statement, right? देखिए मैंने यहाँ पर syntax लिया है nested if statement का। यहाँ पर पहला एक ये जो देखिए if statement दिख रहा है, मैं यहाँ पर नेक्स्ट अलग कलर से ले लेता हूं। इफ स्टेटमेंट जो दिख रहा है उसके अंदर कंडीशन है, कंडीशन के बाद में देखिए इसका ब्लॉक शुरू हुआ। तो ये ब्लॉक शुरू हुआ, देखिए मैंने यहां पर कमेंट डाला है कि एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन वन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही हम अंदर जाएंगे। और दूसरा इफ जो है, देखिए दूसरा इफ जो है हमने इसी के अंदर लिया हुआ है, हमने इसी के अंदर लिया हुआ है। तो अगला इफ में है, इसमें कंडीशन दूसरी होगी, कंडीशन टू, अब उसके अंदर यदि ये ट्रू होगा तो ये ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा। देखिए ये कंडीशन मैंने आप ये कमेंट मैंने यहां पर लिखा हुआ है, तो इसी को हम कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, राइट। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या है,
एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट अगर हमने लिखा है तो उसको हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। यस, सो बोथ सी एंड सी प्लस प्लस अलाउज अस टू नेस्टेड स्टेटमेंट्स विद इन इफ स्टेटमेंट। ठीक है, सी और सी प्लस प्लस दोनों में इस बात को अलाउ किया गया है कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। ओके, मुझे लगता है अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ, राइट। सो वी कैन प्लेस एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनोदर इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो अभी हमने आपके साथ में एक सिंटेक्स को डिस्कस किया है। ठीक है, एक प्रोग्राम भी हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे तो आपको ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से यहीं पर आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, मान लीजिएगा यहां पर मैंने लिखा इफ, सपोज दैट, मान लीजिएगा यहां पर मैंने लिखा कि ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, और मैंने इस ब्लॉक में कोई स्टेटमेंट लिख दिया। देन इसके बाद में सपोज दैट हम ये भी चाहते हैं, या फिर हमने एक और इफ स्टेटमेंट लिख दिया और यहां पर मान लीजिएगा एक कंडीशन लिखी कि सपोज दैट कि दूसरी कोई कंडीशन है आई ग्रेटर देन टू। ठीक है, मान लीजिएगा ऐसी कोई कंडीशन लिखी, यहां पर इफ ब्लॉक लिखा और यहां पर इस इफ ब्लॉक को एंड किया। ठीक है, तो ऐसे ही फिर इसको एंड किया, तो ऐसे हमने यहां पर इसको एग्जीक्यूट कराया। ठीक है, जो मान लीजिएगा यहां पर हम जो भी वेरिएबल लेंगे, ए है बी है या जो आई है, कुछ भी मान लेंगे, उसके बाद हम कंडीशन को देखेंगे। तो पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये हमने इस तरीके से लिखने का तरीका सीखा है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, पहला जो इफ है उसमें जो कंडीशन होगी, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हम अंदर जाएंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और यहां पर भी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम यहां जाएंगे। और अगर इन दोनों ही केसेस में मान लीजिएगा कंडीशन वन फॉल्स ट्रू हो गई और कंडीशन ट्रू यहां पर फॉल्स हो गई तो क्या होगा, सपोज दैट कि ये हो गई फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाला इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और यहां से हम बाहर आ जाएंगे। तो बाहर कहां आ जाएंगे, इस इफ ब्लॉक के बाहर आ जाएंगे। क्लियर, आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमारा ये पूरा पार्ट ऑफ जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इफ स्टेटमेंट। और नेस्टेड इफ का मतलब एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट होगा। ठीक है, सो इफ स्टेटमेंट दैट इज टारगेट ऑफ द अनोदर इफ स्टेटमेंट। सो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मीन्स एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनोदर इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इसको हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको ये बात और अच्छे से क्लियर करता हूं। चलिए, तो अब प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको ये बात समझाते हैं कि हमने यहां पर देखिए हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल लगाई, मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन के अंदर हमने आई टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि इंटीजर टाइप का है, फिर मैंने स्क्रीन पर एक मैसेज शो कराया और प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से मैंने लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ आई। देन स्कैनर फंक्शन का यूज करके हमने कीबोर्ड से वैल्यू को एंटर कराया। ठीक है, स्कैन किया और अब देखिएगा हमने वैल्यू एंटर करा ली यूजर से। मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमने यहां पर जो देखिए अब आउटपुट कैसा आएगा, पहले तो मैं यहां पर आपके लिए लिख लेता हूं। ठीक है, यहां पर मैसेज आया एंटर द वैल्यू ऑफ आई, एंटर द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर मैंने मान लीजिएगा सपोज दैट कि आई की वैल्यू, तो पहले मैं यहां पर एक मेमोरी ब्लॉक बना लेता हूं आई का और उसमें एक वैल्यू डालता हूं, सपोज दैट मान लीजिएगा, और वो वैल्यू है मान लीजिएगा 13। ठीक है, 13 अगर कोई वैल्यू है तो यहां पर चेक होगा 13 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। देखिए यहां पर इस वाले इफ स्टेटमेंट में क्या चेक होगा, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। तो अंदर चलेंगे इस इफ लॉक के अंदर और देखिए नेक्स्ट जो सेकंड वाला जो इफ है उसमें कंडीशन फिर से चेक होगी, तो आई की वैल्यू क्या है 13, 13 लेस देन है 15 से, यस, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हुई
तो यहां इसके नेक्स्ट में चलेंगे और यहां पर हमको स्क्रीन पर जो मैसेज शो होने लगेगा वो क्या हो जाएगा, आई इज स्मॉलर देन 15, क्या मैसेज शो होगा, आई इज स्मॉलर देन 15, क्लियर। अगर मान लीजिएगा सपोज दैट कि यहां पर आई की वैल्यू आपने 15 से भी ऊपर एंटर की कीबोर्ड से, तो क्या होगा, यहां पर ये वाला जो इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्या होगा, ये वाला इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मान लीजिएगा आई की वैल्यू आपने 15 से ऊपर 16 डाल दी मान लो, तो क्या होगा, यहां पर आई की वैल्यू 16 डाल दी तो यहां पर ये क्या होगा, 16 लेस देन 15 मतलब कंडीशन हुई फॉल्स, तो ये वाला मैसेज भी शो नहीं होगा और स्क्रीन पर कोई भी मैसेज हमको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसी बात को अब हम आपको प्रोग्राम के माध्यम से बताएंगे तो ये बात आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको कोड कर लेते हैं, ओके। चलिए देखिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने यहाँ पर देखिएगा हेडर फाइल इंक्लूड कर ली है, मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन के बाद हमने एक आई टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब यहाँ पर हम प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं और उसमें एक मैसेज शो करा देते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। और ये हमने यहाँ पर एक मैसेज शो करा दिया, इसके बाद हमने लिखा स्कैनएफ और यहाँ पर हमने परसेंट डी और ये देखिए एड्रेस ऑफ ऑपरेटर आई का इस्तेमाल किया। और इसके बाद में हमने एक इफ स्टेटमेंट लगाया, इफ स्टेटमेंट में हमने आई की वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 दे दिया। इसके बाद में हमने इस इफ ब्लॉक को स्टार्ट किया, इस इफ ब्लॉक के अंदर एक दूसरा इफ ब्लॉक लगाया जिसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं और आई की कंडीशन हमने दी आई इज लेस देन 15। इसके बाद में इस इफ ब्लॉक के अंदर हमने एक स्क्रीन पर मैसेज शो करा दिया कि प्रिंट एफ आई, ठीक है, आई इज स्मॉलर देन 15, ठीक है। तो ये हमने स्क्रीन पर मैसेज शो करा दिया और अब हमने इसको क्या करेंगे, अब हम इसको कंपाइल कर देते हैं। तो अब उससे पहले मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, मैंने यहां पर आई की वैल्यू एंटर की, आई की वैल्यू अगर मैंने 10 से बड़ी एंटर की है, 10 एंटर की, तो ये इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और इस ब्लॉक में भी आई की वैल्यू को चेक करेगा कि अगर आई की वैल्यू हमने 15 से छोटी एंटर की है तो ये मैसेज स्क्रीन पर शो होने लग जाएगा, अदरवाइज स्क्रीन पर कोई भी मैसेज शो नहीं होगा। मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं, रन करता हूं तो आपको पता लग जाएगा। देखिए मैंने इसको कंपाइल किया, रन किया और यहां पर देखिए एक मैसेज शो हो रहा है स्क्रीन पर, एंटर द वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मान लीजिएगा मैंने यहां पर 14 एंटर किया, तो जैसे मैंने 14 एंटर किया तो मुझे स्क्रीन पर मैसेज शो हो रहा है आई इज स्मॉलर देन 15, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको कंपाइल करूंगा और वैल्यू को 15 से बड़ी एंटर करूंगा, ठीक है। ये देखिए मैंने अगेन नेक्स्ट टाइम इसको कंपाइल किया है और अब देखो यहां पर आप एंटर द वैल्यू ऑफ आई का मैसेज शो हो रहा है। मान लीजिएगा मैंने 25 एंटर किया, तो देखिए 25 जब मैंने एंटर किया यहां पर तो मुझे कोई भी मैसेज शो नहीं हो रहा है, राइट, ओके। तो हमारा जो दूसरा इफ ब्लॉक था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ जिसमें मैंने एक प्रिंटअप स्टेटमेंट लिखा हुआ था। आई होप कि अब आपको नेस्टेड इफ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में अब मैं आपसे नेक्स्ट स्टेटमेंट को डिस्कस करूंगा, वो है इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अभी मैंने आपके साथ में इफ स्टेटमेंट को डिस्कस किया था तो एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। कैसे, देखिए मैंने यहां पर मार्क्स को एंटर कराया था यूजर के द्वारा और यहां पर एक कंडीशन दी थी कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33, दैट मींस क्या मतलब हुआ कि अगर यूजर ने 33 मार्क्स को एंटर किया है, ठीक है, 33 या 33 से ज्यादा के मार्क्स को एंटर किया है तो हमारा ये वाला जो इफ का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैंने मान लीजिएगा ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ये चलेगा, अगर मान लो ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो उस केस में हमने दूसरे इफ का इस्तेमाल किया है कि मार्क्स अगर यूजर 33 से कम एंटर करता है तो स्क्रीन पर मैसेज आ जाए यू आर फेल्स। तो अब इस इफ को लिखने की जरूरत नहीं है, हमको सीधा यहां पर एल्स स्टेटमेंट को लिख देना है और एल्स स्टेटमेंट में कोई भी कंडीशन नहीं होती है। इफ और एल्स का मतलब यही होता है कि यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दें, अदरवाइज
इसके नेक्स्ट जो स्टेटमेंट इफ के अंदर एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब कि आपको दूसरी बार कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, जबकि हमको इफ स्टेटमेंट में दो बार कंडीशन देनी होती है कि यदि ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये चल जाए, यदि ये वाली कंडीशन ट्रू हो तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू एग्जीक्यूट हो जाए, राइट। जबकि इफ एल्स ब्लॉक में हमको ये एक फैसिलिटी मिल जाती है कि हमको कंडीशन सिर्फ एक ही बार लिखनी होती है, सिर्फ एल्स कीवर्ड की मदद से हम उस स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं अगर कंडीशन फॉल्स होती है, राइट। तो चलिए अब हम बात आगे बढ़ाएंगे और अब जानेंगे कि इफ एल्स है क्या एग्जैक्टली, राइट। तो देखिए इफ एल्स क्या है, इफ कंडीशन रिटर्न्स, देखिए इफ कंडीशन रिटर्न्स है ना, इफ कंडीशन रिटर्न ट्रू देन द स्टेटमेंट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ आर एग्जीक्यूटेड। बिल्कुल सही बात है, अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के अंदर जो बॉडी में स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं एंड द स्टेटमेंट्स इनसाइड बॉडी ऑफ एल्स आर स्किप्ड, यानी कि एल्स के अंदर भी जो स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो ऑटोमेटिकली स्किप्ड हो जाएंगे, राइट। और इफ कंडीशन रिटर्न्स फॉल्स देन द स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ आर स्किप्ड, और अगर इफ के अंदर कंडीशन हो गई फॉल्स, इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो हो जाएंगे स्किप। जैसे कि मान लीजिएगा यहां पर ये जो इफ स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, वो यहां पर स्किप हो जाएगा और कौन सा वाला चलेगा, ये वाला स्किप, ये वाला स्टेटमेंट चलेगा एंड द स्टेटमेंट्स इन एल्स आर एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब देखिएगा इफ के अंदर जो कंडीशन लिखी है, इफ के अंदर जो कंडीशन लिखी है वो हो जाएगी ट्रू तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये वाला हमारा स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स, ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारी क्या हो गई फॉल्स, है ना, ये ट्रू हुई तो ये चलेगा, है ना, और ये जो है नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये हो गई फॉल्स, अगर ये हो गई फॉल्स तो ये वाला नहीं चलेगा, कौन सा चलेगा, ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, राइट। आपको समझ में आ गई होगी ये बात, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इफ में, अब यहां पर हम क्या करते थे, इस एल्स में हम क्या करते थे, इफ लिखा और यहां पर कोई कंडीशन डाली जो कि अब इसकी नीड हमको नहीं होगी जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जब हम एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो कंडीशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा एक और बात है इंपॉर्टेंट कि इफ ब्लॉक में हम जो भी लिख रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इफ के बाद में आपको एल्स स्टेटमेंट लिखने की नीड नहीं होती है, लेकिन अगर आपने एल्स लिखा है तो उसके ऊपर इफ जरूर होना चाहिए, यानी एल्स जो है अकेला नहीं लिखा जा सकता, तो इफ एल्स जो है वो पेयर में लिखे जाते हैं, ठीक है, ओके। ये बात मुझे लगता है आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि एल्स वाले ब्लॉक में हम कभी भी कंडीशन नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं और एक फ्लो चार्ट पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका क्या फ्लो चार्ट है, ठीक है। देखिए यहां पर नंबर एक इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इफ के अंदर यहां पर क्या लिखी है, कंडीशन लिखी है, ये यहां पर कंडीशन लिखी है, ठीक है, यहां पर इफ ब्लॉक के अंदर क्या लिखी है, कंडीशन लिखी है। अब देखिए कंडीशन यहां पर, ये फ्लो चार्ट देखिएगा, व्हेन द इफ कंडीशन इज ट्रू, तो ये देखिए हमारा इफ का ब्लॉक है, ये एग्जीक्यूट होगा। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहां पर ये सबसे आखिरी में इसका कंट्रोल यहां आ जाएगा, जब ये एल्स ब्लॉक खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर इसका कंट्रोल आ जाएगा। मान लीजिएगा कि इफ की कंडीशन हो गई फॉल्स तो इस वाले को स्किप करेगा और इस वाले को एग्जीक्यूट करेगा, यानी जो हमारा एल्स का ब्लॉक लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर देगा, क्लियर। अब मुझे लगता है इस फ्लो चार्ट के माध्यम से भी आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हमारी जो इफ कंडीशन है, अब यहां पर दो ब्लॉक्स होंगे, इफ और एल्स। एल्स ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब इफ की कंडीशन फॉल्स होगी, एल्स ब्लॉक स्किप तब किया जाएगा जब इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी इफ ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब इफ जो है वो ट्रू होगा, यानी यहां पर ट्रू है और यहां पर फॉल्स है, क्लियर। तो फॉल्स होने पर ये एग्जीक्यूट और ट्रू होने पर ये एग्जीक्यूट होगा, क्लियर। आई होप कि अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए देखिए मैंने यहां पर डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, इस डिस्क्रिप्शन को जरूर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, समझिएगा। इस डिस्क्रिप्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, आप नोट डाउन करिएगा अपनी कॉपी में। सो दिस इज सिमिलर टू
इफ बट, ठीक है, दिस इज सिमिलर टू, दिस इज सिमिलर टू इफ बट द एल्स ब्लॉक इज न्यू एड ऑन, ठीक है, जो एल्स ब्लॉक है वो हमने एड ऑन कर दिया, यानी कि इफ द कंडीशन ऑफ इफ इज ट्रू, यानी इफ की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, एंड इफ कंडीशन ऑफ इफ, यानी यदि इफ की कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट ओनली वन फ्रॉम टू ब्लॉक्स, यानी कि ओनली वन फ्रॉम टू ब्लॉक्स, यानी कि दोनों ब्लॉक में से कोई एक ही ब्लॉक कैन बी एग्जीक्यूटेड, दैट मीन्स या तो इफ ब्लॉक या फिर एल्स ब्लॉक, इनमें से कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. सो एज द कंडीशन मे हैव ओनली टू रिजल्ट, यानी ट्रू और फॉल्स, यानी कि कंडीशन क्या हो सकती है दोनों रिजल्ट्स में से, या तो ट्रू या फिर फॉल्स. सो यू कैन यूज इफ स्टेटमेंट विदाउट एल्स ब्लॉक, ठीक है, यू कैन यूज इफ स्टेटमेंट विदाउट एल्स ब्लॉक, क्लियर. देखो मैंने अभी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, क्या बताई थी, आप क्या यूज कर सकते हो, यू कैन यूज इफ स्टेटमेंट विदाउट एल्स ब्लॉक, मतलब इफ स्टेटमेंट के बाद जरूरी नहीं है कि आप एल्स ब्लॉक को लिखें या ना लिखें, ठीक है, बट एल्स ब्लॉक मस्ट हैव पेयर्ड, यानी कि जो भी मैंने आपको ऊपर बात बताई थी कि एल्स मस्ट हैव पेयर्ड, एल्स के साथ में इफ का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विद द इफ एल्स ब्लॉक शुड अपीयर इमीडिएटली आफ्टर इफ ब्लॉक, ठीक है, ओके, सो अदरवाइज एन एरर ऑकर्ड ड्यूरिंग कंपाइलेशन, ओके. तो इफ जो है एल्स ब्लॉक को आपको किसके बाद में होना चाहिए, किसके बाद में, ब्लॉक के बाद में होगा, इफ ब्लॉक के बाद होगा. अगर आपने इफ ब्लॉक के बाद में एल्स नहीं लिखा तो कंपाइलेशन के दौरान इसमें एरर आ जाएगी, ठीक है, यानी कि एरर आप बिल्कुल शो होगी, क्योंकि मान लीजिएगा आपने एल्स कहीं और लिख दिया तो फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसलिए इफ के तुरंत बाद ही एल्स ब्लॉक का होना जरूरी है, ओके. अब मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, एक प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको ये बात क्लियर करते हैं, ठीक है, चलिए देखिए एक प्रोग्राम समझ लेते हैं. अब देखिएगा मैंने यहां पर एक कोड आपके सामने लिया हुआ है, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने यहां पर मेन फंक्शन के अंदर देखिए मार्क्स नाम का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्क्रीन पर एक मैसेज शो कराया प्रिंटफ फंक्शन की मदद से, एंटर मार्क्स, स्कैनफ यानी कि हमने कीबोर्ड से एक वैल्यू एंटर कराई, यानी यूजर यहां पर वैल्यू एंटर करेगा मार्क्स की. तो अब यहां पर देखिए मार्क्स की वैल्यू यदि 33 से ज्यादा हो गई या बराबर हो गई तो हमारा जो मैसेज है स्क्रीन पर वो क्या आएगा, यू आर पास, यानी ये वाला मैसेज शो होगा, अगर अदरवाइज एल्स ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसमें जो मैसेज लिखा है यू आर फेल. तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट. अब देखिए यहां पर हमने प्रीवियस कोड में हमने यहां पर क्या मैसेज शो कराया था, देखिए हमने यहां पर इफ लिखा था और वहां पर क्या लिखा था मार्क्स लेस देन 33 जब हमने एल्स ब्लॉक नहीं लिखा था, लेकिन क्या हुआ, एल्स ब्लॉक लगाने से हमको इसकी नीड नहीं है, राइट. तो हमको इफ के बाद में एल्स, यानी कि हमको दूसरा इफ लगाने की जरूरत नहीं है और वहां पर कंडीशन को देखने की जरूरत नहीं है, हम तो सिर्फ इस वाले इफ की कंडीशन को देखेंगे, अगर ये ट्रू हो गई तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा और नहीं तो ये वाला ब्लॉक ऑटोमेटिकली यहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगा. आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसी कोड को मैं अभी आपको प्रोग्राम करके बताता हूं तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा, क्लियर. आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, पर एक बार मैं आपको इसको ड्राई रन करके बताता हूं. यहां पर सबसे पहले एंटर मार्क्स एक करके मैसेज शो होगा और उसके बाद में यूजर कोई एक वैल्यू एंटर करेगा, मान लीजिएगा कि वो वैल्यू उसने 35 एंटर की है, ठीक है, मान लो यहां पर कोई वैल्यू 35 एंटर की है, तो अब यहां पर 35 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33, बिल्कुल सही बात, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू और कंडीशन ट्रू हो गई तो मैसेज शो हो जाएगा यू आर पास, ठीक है. और सपोज दैट अगर उसने वैल्यू को 35 एंटर ना करके मान लीजिएगा 31 एंटर कर दी, तो यहां पर 31 अगर एंटर कर दी आई की वैल्यू, तो यहां पर क्या मैसेज शो होगा, देखिए 31 इज लेस देन
31 इज ग्रेटर देन इक्वल्स, देखो कंडीशन चाहिए कोई 31 इज ग्रेटर देन 33, नहीं तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैसेज शो होगा यू आर पास। ठीक है, अब इसी बात को मैं आपको कोट करके बताता हूं। ओके चलिए अब देखिएगा, हम इसको कोट करते हैं। तो मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, मेन फंक्शन लिख लिया, मैंने यहां पर इंट एक वेरिएबल बनाया मार्क्स नाम का, और मैं यहां पर प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखूंगा जिसपे मैं एक स्क्रीन पर मैसेज शो कराऊंगा और उसमें लिखूंगा एंटर मार्क्स। ठीक है, एंटर मार्क्स। ओके, अब यहां पर मैंने क्या किया, इसके बाद में स्कैन एफ फंक्शन का यूज किया और वहां एक कीबोर्ड से हम लोग वैल्यू एंटर करा लेंगे। ठीक है, और ये किया यहां पर मैंने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर मार्क्स। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर मैंने क्या किया, चलिए अब देखिए यहां पर हम इफ कंडीशन लिखेंगे और इफ कंडीशन में हम यहां पर मार्क्स को लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33। जब ये लिखेंगे तो इसके बाद में हम एक प्रिंटअप एक इफ ब्लॉक लगाएंगे, प्रिंटअप स्टेटमेंट लिखेंगे और वहां पर एक मैसेज शो करा देंगे स्क्रीन पर कि यू आर पास। ठीक है, ये हमने स्टेटमेंट लिखा, इसके बाद में यहां पर इफ ब्लॉक के बाहर आ जाएंगे और एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे, एल्स की बॉडी बनाएंगे और उसके अंदर हम एक प्रिंटअप स्टेटमेंट और लिखेंगे जिसमें हम यूजर ये दिखाएंगे कि जो मार्क्स आपने एंटर किए हैं उसमें मैसेज क्या लिखा है, यू आर फेल। अगर आपने 33 से कम, यदि आपने 33 से कम एंटर किया है डेटा तो उस पे लिखा है यू आर फेल। ठीक है, प्रोग्राम वही है सेम जिसको भी हमने आपके साथ में डिस्कस किया था। तो मैं इसको कंपाइल और रन करूंगा, ये देखिए मैंने कंपाइल किया, रन किया और यहां पर क्या मैसेज शो हो रहा है, एंटर मार्क्स। ठीक है, एंटर मार्क्स। तो अब मान लीजिएगा मैंने 36 एंटर किया तो यहां पर मुझे क्या मैसेज शो हो रहा है, यू आर पास। ओके, समझ में आ गया होगा। एक बार इसको मैं और रन करके बताऊंगा और अब मैं वैल्यू 33 से कम लिखूंगा। देखिए यहां पर हमने मान लीजिएगा 24 डाल दिया तो हमको यहां पर स्क्रीन पर क्या मैसेज शो हो रहा है, यू आर फेल। तो इस तरीके से हमारा इफ एल्स ब्लॉक काम करता है। हमने आपको कोड करके ही बताया, उसका कॉन्सेप्ट भी समझाया, फ्लो चार्ट भी बताया। तो आई होप कि अब आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेस्टेड इफ एल्स बताऊंगा, यानी इफ एल्स लैडर के बारे में बताऊंगा। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, तब तक मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, कोड आप स्वयं भी करके देखिएगा तो आपकी इसमें बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ठीक है, थैंक यू।